गाइस शुरुआत करते हैं किसे, दोनों चाबियां जो एक जैसे हैं, सेंट्रल रॉकिंग आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। गाइस स्वागत करते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में। वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जमकश जो व्हीकल लीड्स हैं आजो रोड बांडीपोरा पे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्यों? क्योंकि वीडियो है स्विफ्ट के बारे में। ये स्विफ्ट हैं 2024 की और इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं डिज़ाइन के मामले से, फीचर्स के मामले से और सेफ्टी के मामले से। शुरुआत हम करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन से। तो आगे की जो ग्रिल हैं ये चेंज कर दी गई हैं, ये मैट जो थी पहले अब ये ग्लासी हैं। तो यहाँ से ये मैट पोर्शन है, स्किट पैलेट जैसा लगता है। और यहाँ फॉग लैंप्स के लिए हाउसिंग दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारी इसमें प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए हैं येलो टाइप में हेलोजन के अंदर। और ये यहाँ से एक क्रोम लाइन दे दी गई है। एक्चुअली हायर वेरिएंट्स में डीआरएल्स का काम करती हैं, लेकिन बेस वेरिएंट में ये सिर्फ एक क्रोम लाइन है। तो ये है एलेक्साई, स्विफ्ट एलेक्साई। तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो विड्थ जो है 15 mm कम कर दी गई, हाइट 15 mm कम कर दी गई, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 15 mm बढ़ा दी गई है। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि लेग्स पे जो है वो और एनहेंस हो गया है। बाकी आप देख सकते हो एक प्रॉपर लुक इस गाड़ी का। ये आप देख सकते हो 360 व्यू, गाइस 360 व्यू इस गाड़ी का। तो साइड वाइज लुक की अगर हम बात करते हैं तो एक शार्प लाइन यहाँ से है, ये आप देख सकते हो गाइस, शार्प लाइन। और नीचे भी एक लाइन है, यहाँ से आप इसमें लगा सकते हो जो एक बीडिंग आती है, प्रॉपर बीडिंग, उससे जो डोर्स हैं वो स्क्रैच होने से बचते हैं, साइड बीडिंग उसको कहा जाता है। और बेस वेरिएंट में आपको कोई भी व्हील कप्स नहीं मिलते हैं। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो वो हैं 165/80R14 के। इसमें टायर्स आपको मिलेंगे, स्टील रिम्स हैं, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। बाकी इस गाड़ी के हिसाब से ये टायर साइज जो हैं वो सही हैं, प्रॉपर हैं, क्योंकि पहले भी इसमें 14 साइज के ही टायर्स आते थे। हायर वेरिएंट्स में आपको आ जाएंगे अलॉय व्हील्स, वो भी डायमंड कट ड्यूअल टोन। बाकी इसमें ऑलवेज जो इसके पैनल गैप्स वगैरह हैं वो प्रॉपर हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ से बोनेट लाइन थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। और ये लोगो यहाँ पे होता था, अब ये यहाँ पे, ये आप देख सकते हो पहले यहाँ पे होता था। तो सामने से जो लुक्स हैं वो शानदार हैं, प्रॉपर स्विफ्ट लगती हैं, ये आप देख सकते हो वाइटर लुक के साथ हैं। और ये बोनेट लाइन जो ऊपर करा दी गई है इससे लुक और एनहांस हो गया है। बाकी साइड वाइज अगर हम लुक्स की बात, यहाँ फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, ये आपको मैट में मिलेगा। ORVM डोर हैंडल्स आपको मैट में मिलेंगे, ये आप देख सकते हो ये भी। और 37 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। ये यासाइज क्लासी टाइप में दिया हुआ है सी पिलर। बाकी इसमें एंटेना भी नहीं है, तो क्योंकि बेस वेरियंट है, मगर इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी। ये फीचर एड ऑन किया गया है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, ये फीचर एड ऑन, और ऑल फोर पावर विंडोज़ मिलेंगे। गाइस वुड यू बिलीव इट, ऑल फोर पावर विंडोज, जो कि एक बड़ी बात है। बाकी अगर आप रियर एंड पे चलते हैं तो गाइस ये हैं, इसमें आपको डिफॉगर मिलते हैं इस बारी, ये भी एक नई चीज़ है स्विफ्ट में। पहली बार बेस वेरियंट एलेक्सा में आपको डिफॉगर मिलते हैं। बाकी इसमें आपको जो है टेल लाइट्स हैं ये आपको मिलेंगे LED में, और डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है ऐसे सी टाइप में, उल्टा अगर आप करेंगे सी को। और अंदर से ब्रेक लाइट्स ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। नीचे इसमें दो रिफ्लेक्टर्स हैं और चार पार्किंग सेंसर्स हैं। अगर आप ऐसे देखोगे इस गाड़ी को तो रियर एंड से भी लुक जो है काफ़ी अच्छा है। बाकी ये सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं 163 mm की। बाकी अगर हम बूट स्पेस की बात करते हो 267 लीटर्स की इसमें बूट स्पेस मिल जाती है। तो
अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या कुछ है इसके इंटीरियर्स में, फीचर्स के बारे में आपको बता देंगे और लेट स्पेस वो देख दिखाएंगे आपको और दिखाएंगे कि ग्लो बॉक्स का साइज़ क्या। इंजन की बात करते हैं, इस बार इसमें 3 सिलेंडर इंजन दिया है मगर पावर जो है 84 PS की है और 108 Nm का टॉक है। 3 सिलेंडर है मगर साइलेंट इंजन है, ऐसी कोई बात है नहीं और पिकअप भी इसका अच्छा है। माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो 24.5 ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर से माइलेज देती है। अगर हम कंपनी जो क्लेम करते हैं वो फिगर्स की बात करते हैं, ये मैंने आपको कहा रियल लाइफ माइलेज की, कंपनी जो क्लेम करते हैं 25.7 KMPL। बाकी गाइस अगर हम इंटीरियर्स की बात करते हैं, लेयर टाइप इंटीरियर हैं, ग्लो बॉक्स की बात करते हैं, बड़ा सा ग्लो बॉक्स है, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आ जाते हैं इसमें। एसी वेंट्स के कंट्रोल्स कुछ ऐसे हैं और डिज़ाइन कुछ ऐसा है और यहाँ पर आपको म्यूजिशन मिलेगा नहीं और स्पीकर भी नहीं मिले। बेस वेरिएंट है एलेक्सा, इसके बाद है वी एक्स आई ऑप्शनल, ZXI प्लस। बाकी अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हो तो ऐसा है कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं वो काफ़ी अच्छा है ये आप देख सकते हो। तो बाकी हमने गाड़ी भी स्टार्ट की हुई है तो ऐसी कोई नॉइज़ आती नहीं है इसमें। नॉइज़ जो हम अक्सर कहते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन में, और एसी भी इसमें मिल जा रहा है जो कि एक बड़ी बात। इस बारी ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं और ये जो यहाँ पे हैं ये वन टच हैं ड्राइवर साइड, और इसमें सेंट्रल लॉकिंग है, बाकी ये आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। और इसमें अगर हम स्टेयरिंग की बात करते हैं तो स्टेयरिंग भी इसमें टिल्ट मिल जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है। और दो कप होल्डर्स की जगह यहाँ पे है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, बाकी USB के लिए यहाँ पे पोर्ट है नहीं क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम ही नहीं है। और ये हैंड ब्रेक हैं, सीट्स की कुशनिंग अच्छी है, और ये यहाँ पे लाइट हैं, और 6 एयरबैग इसमें मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से जो कि अच्छी बात है। और हेडरेस्ट इसमें 2 मिल जाएंगे आपको बेस वेरिएंट में, LXI वेरिएंट में। बाकी सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी हैं, और बाकी ए पिलर जो है उतना मोटा है नहीं तो ड्राइविंग करने में आपको दिक्कत होगी नहीं, ये आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपको जगह मिलेगी बोतल होल्डर के लिए 1 लीटर, और कुछ और स्पेस यहाँ पर मिलेगी। अब हम चलते हैं रियर सीट में और देखते हैं कि क्या इसकी स्पेस रहने वाली है और क्या नहीं। अगर हम रियर सीट की बात करते हैं तो स्पेस अच्छी है, 3 लोग तो आराम से आ जाएंगे इसमें। पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी इस वाले वेरिएंट में, बाकी इसमें यहाँ से एक बोतल रखने की जगह है। रियर एसी वेंट जो है हायर वेरिएंट्स में आते हैं तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। यहाँ से कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फिनिश अच्छी है, और ये सिल्वर कलर में जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो बांडीपोरा की अगर हम बात करते हो ऑलमोस्ट रोड बांडीपोरा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।